स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो क्लियर करके देंगे आपको। जी हाँ, याद रखें चैनल का नाम जेके एग्जाम्स। तो जिस हमारा सिलेबस है जेके बैंक एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें तीन पोर्शन थे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अवेयरनेस के बारे में। तो हमने जो भी था आज तक, जो इंग्लिश वाला पोर्शन था वो हमने क्लियर कर दिया, और आज वाला जो पोर्शन है वो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बात करने जा रहे हैं। मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बता दूंगा हर किसी पोर्शन से, जिससे आपको मदद मिलेगा, आसानी से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 35 मार्क्स के लिए ये होंगे, और आपको ये 20 मिनट में लगभग कवर करने हैं। लगभग आपकी स्पीड हर किसी क्वेश्चन को करने के लिए 40 से 45 सेकंड की होनी चाहिए। आपको 40 के 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, खाली आपको अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करना है, उससे पहले प्रिपरेशन करनी है। अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर आप जाओगे तो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन सारे अच्छे से आ जाएंगे, और ये बहुत ही आसान पोर्शन है, खाली आपको माइंड शार्प रखना है। जी हाँ, शुरू करते हैं आज का जो पोर्शन है हमारा, शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन टॉपिक से होंगे। पहला जो टॉपिक है वो सिंपलीफिकेशन है, दूसरा जो टॉपिक है वो नंबर सीरीज़ है, तीसरा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा जो टॉपिक है एवरेज से पूछे जाएंगे, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड से पूछे जाएंगे, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, HCF, LCM, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ एंड पाई चार्ट जाएंगे आज जो हम, और डाटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज जो हम बात करेंगे, हम इसमें से कुछ टॉपिक्स लेंगे। पहला वाला जो टॉपिक है वो है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन एक ऐसी, मतलब क्वेश्चंस इस पे ऐसे आ जाते हैं कि आपको सिंपल मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स जो 8th से 9th के बीच में आ जाता है मैथमेटिक्स, वो आना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गया है। सिंपलीफिकेशन में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमें पहला जो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बॉड मास। बॉड मास हमें आना चाहिए, इसके रूल्स पता होने चाहिए कैसे करना है। दूसरा जो है अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, तीसरा परसेंटेज के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस आने चाहिए और क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस आने चाहिए। जो ऐसे है स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस जो 8th तक मैथमेटिक्स है उसमें ये सारे टॉपिक्स लगभग क्लियर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बॉड मास। बॉड मास शुरू करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स इसके बताऊंगा। BODMAS, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये है ऐसे, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। इस हिसाब से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी पोर्शन होगा तो आपको वो सॉल्व करने हैं। पहले जो मैंने ये ब्रैकेट दिया है सिंपल ब्रैकेट, तो पहले आपको सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको कर्वड ब्रेसेस है तो आपको कर्वड ब्रेसेस के अंदर जो भी पोर्शन है वो वाला सॉल्व करना है, और इसके बाद जो लॉन्ग ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो वाला पोर्शन है वो सॉल्व करना है। याद रखना है ब्रैकेट्स तीन तरह के होते हैं, एक तो सिंपल ब्रैकेट, एक तो कर्वड ब्रेसेस, और तीसरा जो होता है वो है लॉन्ग ब्रैकेट। पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्वड, और फिर लॉन्ग ब्रेसेस आपको सॉल्व करने हैं। ये तीन ऑर्डर में आपको सॉल्व करने, मतलब जब भी आप क्वेश्चन, कोई भी सिंपलीफिकेशन पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको पहले ही बॉड मास का रूल अपने जहन में लाना है। पहले ब्रैकेट का लाओगे, ब्रैकेट का जो भी आप जहन में लाओगे तो उसमें पहले सिंपल ब्रैकेट, फिर कर्वड ब्रेसेस और फिर लॉन्ग ब्रैकेट का सॉल्व करोगे। उसके बाद ऑफ, फिर आपको देखना है कि दोनों में किस जगह पर, अगर दो ब्रैकेट आपस में हैं, दोनों ब्रैकेटों को पहले आपस में जो भी ये है आपस में जो भी साइन ऑफ मैथमेटिशियन है, मतलब ऑपरेशन जो भी है वो कर लो। फिर डिवीजन के क्वेश्चन, मतलब डिवीजन जहां पर भी है फिर डिवीजन यूज़ कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लो, फिर एडिशन कर लो, और लास्ट में जाके फिर सब्ट्रैक्शन करना। इसके जैसे क्वेश्चंस आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, जैसे कि हर रोज़ पूछते हैं 3 × 2 + 5 कितने होते हैं, तो आपको उस हिसाब से ये वाला रूल लगा के वो वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इसके अलावा स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आप ये वाला क्वेश्चन नंबर वन देख सकते हैं, 754 प्लस 432 प्लस 5656 और 818, और फिर ये है ब्रैकेट के अंदर, फिर डिवीजन है, फिर से ब्रैकेट है। इसलिए आप क्या करोगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे इंडिविजुअली दो पोर्शनों को, फिर दोनों पोर्शन को सॉल्व करने के बाद बीच में जो डिवीजन दिया हुआ उसको सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये सारे मतलब क्वेश्चंस है मैंने दिए हुए हैं, इनको ध्यान से एक बार ट्राई कीजिए, और मैं इनकी जो मतलब की है आंसर की है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप अगर ट्राई करोगे खुद से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये ऐसा मैथ है कि मैं यहाँ पर क्या आपको सिखाऊंगा, प्लस करना सिखाऊंगा या माइनस करना सिखाऊंगा, ये तो बहुत बच्चों वाली खेल है कि ये आप खुद कर लो। बस खाली आपको याद रखना है कि बॉडमॉस वाला रूल इनमें सब में अप्लाई हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी आप ट्राई करने की कोशिश करिए। और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, इनको भी आप ट्राई करने की कोशिश कर लीजिए। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इससे मतलब आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, आप इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और क्वेश्चंस देखने के लिए, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और नंबर सीरीज़ की बात अगर करेंगे, नंबर सीरीज़ ये क्या होता है, पहले येलो वाले पोर्शन पर नीचे वाले पोर्शन पर नज़र रखिए। अ पर्टिकुलर सीरीज़ इज़ गिवन फ्रॉम विच द पैटर्न मस्ट बी एनालाइज्ड। कोई भी सीरीज आपको दी जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 2 3 4 5 6 2 4 8 16 ऐसे कुछ नंबर सीरीज दी जाएगी आपको। आपको करना क्या है, जनरली उसका पैटर्न देखना है। पैटर्न तीन तरीके से बनते हैं, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द नंबर सीरीज। तीन तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे नंबर सीरीज में। पहला वाला क्वेश्चन जो होगा, A number series is given in which a number is wrongly placed. You are asked to identify that particular number. आपको क्या किया जाएगा, आपको एक number series दी जाएगी, उसमें एक pattern होगा, pattern के अंदर ही एक ऐसा number होगा, जैसे pick the odd one out, आपको odd one out करना है। वो एक तरह के ऐसे questions पूछे जाते हैं। दूसरा जो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, एंड न्यूमेरिकल सीरीज इज गिवन इन विच ए स्पेसिफिक नंबर इज मिसिंग, उसमें मिसिंग होगा एक, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वन, और उसमें पिक द वन ऑड वन आउट, इसमें ब्रिंग द राइट वन इन, ब्रिंग द राइट वन इन, वो तो आपको ऑप्शंस में नीचे से देखना है कौन सा स्पेसिफिक सीरीज मतलब आपस में बनाते हैं, उसमें से जो नंबर बनता है वो मिसिंग लिंक पे डालना है। तीसरे जो क्वेश्चन है, ए कम्प्लीट न्यूमेरिकल सीरीज इज फॉलोड बाय एन इनकम्प्लीट सीरीज। इसमें दो तरीके के आपके सीरीज मिलेंगे, एक तो कम्प्लीट होगी और दूसरी इनकम्प्लीट होगी। कम्प्लीट को देखकर इनकम्प्लीट वाला भी वही पैटर्न फॉलो कर रही होगी जो पैटर्न कम्प्लीट वाले में होगा। आपको कम्प्लीट वाले से पैटर्न उठाना है और इनकम्प्लीट वाले में फिट करना है वही वाला पैटर्न। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, मेरे पास है 1 2 3 4 और दूसरी सीरीज है 5 6 7 डैश। आपको क्या करना है, मैंने एक प्लस करके नंबर्स जोड़े हैं, वहाँ पर भी आपको एक प्लस करके 5 6 7 8 डालना है, 8 आपका आंसर होगा। इसी तरीके से ये तीसरा वाला पोर्शन है। जी हाँ, आगे पढ़ते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। ये सुकेयर्स की ये है सीरीज़ है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। इसमें कोई मिसिंग लिंक होगी या कोई नंबर ढूंढना होगा आपको, या आपको दो सीरीज़ आपस में कंपेयर करनी होगी। तीन ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद करते हैं बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल जो फार्मूला होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी और सी जो होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स, जो जैसे 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू कॉन्स्टेंट्स का होता है। और एक्स स्क्वायर एक्स वगैरह ये जो होते हैं एक्स वाले, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मतलब सॉल्व करनी है, इससे कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको सॉल्व करनी आ जाएगी एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन आ जाएगा इस पर तो आपको ये सॉल्व करनी होगी, मतलब आपको एक्स के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड्स है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और तीसरा जो है वो है स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप कर सकते हो। एक तो फैक्टराइजेशन से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीनों में से सबसे आसान जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वेश्चन कभी गलत होता ही नहीं है अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करोगे। तो इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधे डाल दो, आपको एक्स के आंसर्स मिल जाएंगे। एक्स का जो आंसर होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac / 2a, और इसमें यह होगा
ये जो वैल्यू होगा ये प्लस माइनस, अगर आप प्लस माइनस अलग करके लिखोगे, जैसे मैंने ऊपर प्लस लिखा है, बी के बाद प्लस लिखा, बी के बाद माइनस लिखा है, नीचे वाले दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे एक्स के, ए और बी, मतलब कोई भी एक्स और एक्स के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एम और एन। वो जो वैल्यूज़ होंगे वो एक्स के वैल्यूज़ होंगे, उनको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं और उनको हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पर इस टर्म पर ध्यान दीजिए, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट आप पढ़िए, मतलब उससे क्या पता चल जाता है, रूट्स बन सकते हैं, रियल होंगे, नेचर ऑफ रूट्स और एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स पता चल जाता है डिस्क्रिमिनेंट से। अगर ये होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर ये आपको निकला पॉजिटिव तो आपको रियल रूट्स मिल जाएंगे, अगर ये आपको नेगेटिव निकला तो आपको मतलब उस हिसाब से रूट्स मिल जाएंगे, और अगर ये कभी कभार आपका जीरो निकल गया तो आपके दोनों वैल्यूज़ एक्स के सेम होंगे, मतलब एम और एन सेम होंगे, मतलब एम और एम इस हिसाब से, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट्स बन रहेंगे उस वक्त, इसके जवाब रियल नंबर्स में नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होगा। जी हाँ, याद रखिए। अब और एक बात है हमारे पास, और एक टर्म जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो है एवरेज। एवरेज जो होगी उसमें मतलब हमें पता होनी चाहिए एवरेज होती क्या है, हमें पहले बहुत सारे नंबर्स दिए गए होंगे या बहुत सारी क्वांटिटीज़ दी गई होंगी, हमें उन सब क्वांटिटीज़ को सम करना है, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी आइटम्स कितने हैं उसको जब हम निकालेंगे उसी को हम एवरेज कहते हैं। इसमें ज़रूरी पढ़ने की बात है, एवरेज स्पीड पढ़ लीजिए और एवरेज वेलासिटी पढ़ लीजिए, उस पर दो चार क्वेश्चंस करने की कोशिश कर लीजिए, आपको एवरेज वाला पोर्शन आसानी से आ जाएगा। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, अगर आपको ये समझ आती है तो सही है, अगर नहीं तो आप ये याद रख लीजिए, ये भी यही है बट लॉजिकल सेंस में, अगर ये मैथमेटिकल एवरेज होता है इस हिसाब से, वन बाय एन, बाय एन इज रनिंग, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, इस हिसाब से अगर बोलेंगे तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप इस वाले फार्मूला पर ध्यान दीजिए, आपको सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएंगे। जी हाँ, इसमें एवरेज में आप ज़रूर पढ़ लीजिए मीन, मीडियन और मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तीन तीन चार जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इन पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए खुद ही, या आपको किसी भी छोटी वाली की छोटी या बड़ी बुक से या इंटरनेट से आप देख सकते हो, आपको आसानी से इन पर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इन पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, इसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज होती क्या है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पर आपके क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाएंगे आपको, इफ़ यू हैव टू फाइंड वाई परसेंट ऑफ एक्स, तो आपको क्या लगानी है, फार्मूला सीधी, वाई परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई हंड्रेड, ये याद रख लीजिए, फार्मूला सीधी की सीधी ऐसे ही आएगी, वाई परसेंट ऑफ एक्स मतलब ए के कितने परसेंट है बी में, या बी के कितने परसेंट है सी में, या सी के कितने परसेंट है ए में, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसके लिए फार्मूला दी गई है, आप इसको मेमोराइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो परसेंटेज की बात अगर हम करेंगे तो मैंने इसके लिए एक और मतलब यहाँ पर अगर आपको एक्सप्रेस करना होगा तो मतलब जैसे एक्स परसेंट एज ए फ्रैक्शन, तो एक्स परसेंट इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई हंड्रेड, अगर आपको फ्रैक्शन में करना है तो ये आप यहाँ पर याद लीजिए। अगर आपको छोटे फंडे में याद रखना कि परसेंटेज होती क्या है, आप अपने मार्क्स देख लीजिए कितने आए हुए हैं, कितनों में से मार्क्स थे, और इंटू कर लीजिए उसको हंड्रेड, ये छोटी फार्मूला है, ये आपको याद रहेगी क्योंकि खुद से रिलेटेड है, इससे आपको परसेंटेज के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एरिया की। एरिया हमें कुछ फिगर्स लेनी पड़ती है जिन पर हम बात करेंगे, तो पहली वाली जो फिगर है वो है ट्रायंगल की। ट्रायंगल में जो जो राइट एंगल ट्रायंगल, जो जो कोई भी ट्रायंगल होता है जिसमें हाइट दी गई होती है, उसकी जो मतलब एरिया होता है वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और इसी के अलावा जहाँ पर मैंने ट्रेपेज़ियम दिया हुआ है उसकी जो होती है वन हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू हाइट, वायर ए एंड बी आर टू पैरेलल साइड्स, लेंथ्स ऑफ टू पैरेलल साइड्स, और रेक्टेंगल की तो पता ही है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर की साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, और हाफ मतलब सर्कल की पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है तो उसका हाफ कर दीजिए, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई टू, हाफ सर्कल का निकल जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको और भी डायग्राम्स की मतलब एरिया के फार्मूला देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, इनको मेमोराइज़ करने की कोशिश कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस पर मतलब अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे।
अब है हमारे पास नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग दो तीन क्वेश्चंस आने के इस पर चांसेस है, तो इसको आराम से पढ़ लीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए। इसमें तीन चीज़ें हमें ज़्यादा तीन चार चीज़ें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। सी पी होता है कॉस्ट प्राइस, एस पी होता है सेलिंग प्राइस, पी होता है प्रॉफिट और एल होता है लॉस। हमारे पास प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमें कितने में भेजा हो उसको और कितने का हमने ख़रीदा था, और जितना हमें प्रॉफिट आता है, कभी प्रॉफिट नेगेटिव आता है। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपको आसानी से आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लॉस की, लॉस की किसके बारे होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंट होता है लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पे मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, याद रख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया इसमें, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर लूँगा, लगभग आज शाम तक मैं नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर लूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ। और इसके अलावा मैं ये भी बात बता दूँ कि इस पोर्शन में से इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर होगा, इसलिए उम्मीद है कि आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ोगे और गौर से पढ़ोगे, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप फिर भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक मैं इनमें से बात करना चाहते हो, फिर से एक्सप्लेनेशन चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, लंबी एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस पर अगला वीडियो डाल दूंगा। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दोगे, शेयर तो ज़रूर कर देना, और अगर आपको मतलब टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। जेके एग्जाम्स।